हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काटा बाजार। दोस्तों, काटा बाजार के इस सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त एक मशीन का आपको कैलिब्रेशन बताने वाला हूँ, जो कि है फिनिक्स का। फिनिक्स का ज्वेलरी स्केल है, ज्वेलरी मशीन है। इसमें 50 ग्राम में कुछ 50 मिलीग्राम कम बता रहा है, इसको कैलिब्रेट करना है। आप देख सकते हैं, ये 50 ग्राम का वेट है और इसमें 50 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम कम बता रहा है। इसको एक्यूरेट अगर कैलिब्रेट करना है तो किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे इसका कैलिब्रेशन, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कि आप देखिए, इसका कैलिब्रेशन करने से पहले सबसे पहला आप देख सकते हैं, आप यहाँ से बंद कर दीजिए, इसको नीचे पलटिए। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि क्लोज रहेगा यहाँ पे, इसको आप खोल लीजिए। अगर मशीन सील हो तो उसको खोलने की गलती ना करें, क्योंकि वो गवर्नमेंट सील होता है, और सील तोड़ने की गलती ना करें, नहीं तो आपको फाइन लगेगा। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही काम करें, रिपेयरिंग लाइसेंस हो तो ही आप मशीन रिपेयरिंग करें, नहीं तो कोई भी मशीन रिपेयरिंग ना करें। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो भी एक बटन है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा, इसका आपको पोजीशन चेंज करना होगा। जिस भी पोजीशन में था, अभी वो था वेट मोड में, फिर हमने उसका पोजीशन चेंज करके अब इसको सेटिंग मोड में लिया है, कि अब हम इसका सेटिंग करेंगे। अब सेटिंग करने के लिए सबसे पहला आपको मशीन को स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपको सेल लिख के आएगा। जब आप पहले चालू करते थे तो 1 2 3 करके चालू हो जाता था, बट ऐसे में ये अभी शेयर लिख के आएगा। तो आप समझ सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको शेयर आएगा तो फिर से वापस आपको बंद करना है। आपको 0 के बटन दबा के आपको चालू करना है। 0 के बटन दबा के आप चालू करेंगे, सेट लिख के आएगा। सेट लिख के आएगा तो उसके बाद आपको टेयर के बटन 1 टाइम प्रेस करना है। अब ये हो गया इसका फुल कैपेसिटी। आप देख सकते हैं, ये सी है, सी यानी कैपेसिटी। यहाँ पे दिख रहा है ग्रामेज में आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 ग्राम बराबर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, गोल्ड गोल्ड 1000P इसका मॉडल नंबर है। तो ये 1000 ग्राम का है। यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 ग्राम, मिनिमम 0.2 ग्राम, एक्यूरेसी 0.01 यानी 10 मिलीग्राम से क्लास 2 का मशीन है। तो अब इसको जब आपका ये आता है तो आपको कैपेसिटी अगर आपको उतना ही चाहिए तो आपको मोड से सेव करना है। इसे सेव करना है, मोड के बटन दबाएंगे, यहाँ पे सेव लिख के आएगा, फिर वापस आ जाएगा। फिर से आपको टेयर के बटन एक बार प्रेस करना है। अब वो पूछ रहे एक्यूरेसी कितना रखना है, ये 0.01। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्यूरेसी कितना है, 0.01। तो हमें एक्यूरेसी भी बराबर है, तो हम एक्यूरेसी को भी सेव कर देंगे। एक्यूरेसी भी सेव हो गया। अब हम टेयर करेंगे, यहाँ पे कैलिब्रेशन पूछ रहे हैं। कैलिब्रेशन आपको कितने ग्राम से करना है, लाइक 100% से या 50% से। इसमें दो होता है कि आप इससे 75% से कर सकते हो, आप इसको 50% से कर सकते हो, आप इसको 25% से कर सकते हो। तो हम फिलहाल अभी इसको 25% से कैलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको 25% से इसको कैलिब्रेट करने के लिए आपको करना है मोड से सेव। सेव जब सेव सेव करेंगे, अब यहाँ पे ऐसा लिख के आएगा। अब यहाँ पे इसको वेट चाहिए 250 ग्राम। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का एक 200 ग्राम का बाट है। अब इसको हम रख देते हैं, और ये है 50 ग्राम का वेट। तो हम इस पर रख देते हैं 250 ग्राम वेट। 250 ग्राम रखने के बाद आपको क्या करना है, मोड की बटन एक बार प्रेस करना है। अब ये हो जाएगा सेव। यहाँ पे डन लिख के आया। अब आप देख सकते हैं आपको 250 ग्राम पॉइंट 10 मिलीग्राम। अब 10 मिलीग्राम इसका एक्यूरेसी है, तो और यहाँ पे अभी ये ओपन है तो हवा वगैरह लग के भी आपको 10 मिलीग्राम अप डाउन हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर फर्क आता है तो आपको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अब देख सकते हैं आपको ये वेट जो है वो एक्यूरेट आपको 50 ग्राम आ जाएगा। 10 मिलीग्राम उसका एक्यूरेसी है, तो उतना अप डाउन
हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए काटा बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। इस तरीके का बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलने वाला है दोस्तों बहुत ही जल्दी। काटा बाजार का अपना टेक्निकल कोर्स आ रहा है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं वेइंग स्केल सर्विस से रिलेटेड। अधिक जानकारी के लिए आपको दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।